यहीं से अजय जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो ग्वार में हमने रिसेंटली नए हाइज भी लगते हुए देखे हैं, काफी अच्छे खासे अट्रैक्टिव लेवल्स भी अचीव होते हुए नजर आए थे, 13,000 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ देखा है ग्वार गम को, वहीं ग्वार सीड 7,000 के पार भी जाता हुआ नजर आया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,100 के दायरे में और ग्वार सीड 6,400 के घरों में कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से NCDX का मार्जिन बढ़ाने का फैसला सामने आया है, तो क्या इससे ग्वार की कीमतें और टूटेंगी या फिर निचले स्तर से अभी भी खरीदारी बाकी है? देखिए फ्रेंकली अगर बात करें तो पिछले 2 साल से मैं भी काफी तेजी में था, और जिस दिन से हमने पहले भी चैनल्स पे बताए हुए हैं कि 15 मार्च से हमें तेजी दिखाई दे रही थी, और उसके बाद हमने देखा भी कि प्राइसेस 3700 से 5767 तक के भी जंप आते हुए दिखाई दिए। एज ऑफ नाउ जो अगस्त और सितंबर में तेजी आई थी वो जस्टिफाइड नहीं थी, जिसके चलते हमने लॉन्ग पोजिशन को बुक करवा कर अब न्यूट्रल स्टेज पे बैठे हुए। पूरे एग्री पैक की बात करें तो मुझे लगता है ग्वार सीड ग्वार कॉम्प्लेक्स में एज ऑफ नाउ प्राइस फेयर नहीं है, एक करेक्शन का हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। सेलिंग इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्पेकुलेटिव मूव या वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है कि रोज हम देखते हैं कि 6% का लोअर सर्किट या अपर सर्किट बनता हुआ दिखाई दे। तो करंटली मैं न्यूट्रल हूं ग्वार सीड ग्वार गम पे, करंट लेवल पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ग्वार सीड और ग्वार गम में। डाउनसाइड में मुझे लगता है कम से कम आपको मिनिमम 5400 का तो वेट करना ही चाहिए ग्वार सीड में बाइंग करने के लिए या नया रिव्यू लेने के लिए। और वहीं ग्वार गम की भी बात करें तो जनवरी से अभी तक 100% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है कोई भी इंडस्ट्री के लिए एज ए इनपुट। ग्वार गम अगर प्राइस 4 से 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है तो इसके अल्टरनेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ऑयल इंडस्ट्री के लिए हम देखते हैं FR या स्लिक वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है क्योंकि उनके प्राइस स्टेबल होते हैं। तो करंट लेवल से ग्वार सीड ग्वार गम में न्यूट्रल रहना ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट की भी सलाह नहीं दूंगा तो लॉन्ग की भी नहीं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 5300-5400 का लेवल ग्वार सीड के लिए फेयर प्राइस रहेगा, और ग्वार गम के लिए मुझे लगता है कि करीबन 9500 से 9800 का फेयर प्राइस रहेगा। रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि ग्वार गम अट्रैक्टिव है ग्वार सीड के मुकाबले, बट करंट लेवल से बाइंग नहीं बनती है ग्वार सीड और ग्वार गम में। जी, तो यानी कि ग्वार में अभी थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा निचले स्तर भी देखने को मिल जाएं, थोड़ा एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही ग्वार के ऊपर अपना कोई डिसीजन ले।